हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो विंटर की ये लिली आती है, एशियाटिक लिली, ये उस पर है, इसे जिसे लिलियम भी कहा जाता है, ये उसी पर है जिसके बड़े बड़े फूल आते हैं। और मैं इसी के केयर टिप्स दूंगी और इसकी सोयल कैसे तैयार करते हैं वो सब आपको पूरी जानकारी दूंगी, और बल्ब कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, सही समय क्या होता है, वो सारी पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और जितनी भी लिलीज है मेरे पास, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको आज दूंगी। जो ये मेरे पास ये लिली है, एशियाटिक लिली, ये टाइगर लिली होती है, ये वो वाली है। इस पर जैसे ये देखो, ये डॉट डॉट बने हुए हैं इसमें, ये टाइगर लिली में आती है, ऑरेंज कलर की है मेरे पास। और इसमें कलर बहुत सारे आते हैं, ऑरेंज, पिंक, गुलाब, और जितने भी होते हैं पर्पल, ब्लू, सारे ही कलर आते हैं इसमें, रेड भी, वाइट भी, सारे ही कलर आते हैं। और किसी भी कलर में आप ले सकते हो। और लेते समय बस हमें इतना ध्यान रखना है, जैसे इसका जो है ये हेल्दी प्लांट होना चाहिए। और ये देखो कितना सुंदर प्लांट है। और अगर आपका ये कोडेक अच्छा मोटा होगा और हेल्दी होगा तो ये क्या है, ये फूल भी आपको ज़्यादा देगा। और इस पे जो फ्लावर जो आते हैं, किस 5 तक आते हैं, 5 अगर अच्छा हेल्दी ये प्लांट है हमारा स्टॉक इसका, तो उस पे 5 फ्लावर वो देता ही देता है। और अगर 4 और 5 देता ही देता है। अगर आपका वो हेल्दी नहीं होगा प्लांट तो वो क्या है, 3 या 2 इस तरह से फूल देता है वो। फिर ये देखो मेरे इस पे 4 हैं और बहुत बड़े बड़े फ्लावर हैं। ये कल खिलाता है, परसों खिलाता है, और ये एक के बाद एक खिलते चले जाते हैं। और ये कल खिला है, और ये देखो आज खिलने वाला है, और ये परसों तक खिल जाएगा ये। तो ये एक दिन के बाद एक ये खिलते चले जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखो जितनी भी लिलीज होती है, शायद मुझे लगता है सबसे सुंदर फूल इसी का होता है। और इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है, देखो कितनी प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, छोटी छोटी, कितनी प्यारी प्यारी पत्तियाँ हैं इसमें। लीफ भी इसकी बहुत ही प्यारी होती है, ये देखो। और इसके केयर टिप्स तो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो पहले तो इसको मैं इसकी सोयल बता देती हूँ। अगर आपके पास ये प्लांट है, लाए हो, अगर खरीद के लाए हो या आप खरीदने वाले हो, तो अभी ये विंटर में ही आता है। ये विंटर में अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो इसको। इसकी जो फ्लावरिंग होती है ये विंटर में ही होती है, और एक स्टिक पे एक बारी फ्लावर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, ये यहाँ से काट देते हैं। वैसे ये सीड्स भी बनाता है, और कभी कभी ये बल्ब भी ऊपर भी तैयार कर देता है। अगर हम यहाँ से काट देते या नहीं काटते तो ये बल्ब तैयार कर देता है यहाँ से। तो वैसे क्या है, ऊपर से जो बल्ब बनते हैं वो इतने सक्सेस नहीं होते, और जो इसके नीचे बल्ब होते हैं वो सक्सेस होते हैं। तो उसको हमें सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो फूल होते हैं जब ये सूख जाएंगे तो इसको हमें यहाँ से कट कर देना है। कट करके क्या होता है, ये जो बल्ब बनाता है वो ज़्यादा बनाएगा, और नहीं तो ये अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये क्या है, सूख तो जाएगा ही, लेकिन ये बल्ब फिर कम बनाता है। तो इसलिए हमें यहाँ से इसको काटना ज़रूरी होता है। यहाँ से काट दीजिए या यहाँ से काट दीजिए, जब ये फूल सूख जाएंगे, इसको मैं एक वीडियो फिर भी बनाऊंगी, जब ये फूल सूख जाएंगे उसके बाद मैं आपको ये शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे सेव करूँगी, इसके बल्ब कैसे सेव करूँगी। वैसे तो मैं बल्ब क्या है, मैं इसी में सेव करूँगी, क्योंकि इसको बस क्या करना है हमने बाद में, तो अभी सेव करने का तरीका भी बाद में बताऊंगी। अभी तो सोयल बता देती हूँ इसकी। फिलहाल इसकी जो हमें सोयल बनानी है, उस सोयल में क्या, वो सोयल हमें ऐसी बनानी है, ये जो स्टोक होता है इसको ये जो है होल्ड करने के लिए हमें थोड़ा मिट्टी इसकी टिकाऊ मजबूत वैसी चाहिए, हमें थोड़ा अच्छी सी चाहिए। तो हम क्या है, जो सोयल का जो मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसमें हम मिट्टी जो होती है, सोयल जो होती है, ये गार्डन सोयल, उसको हम 50% लेंगे, और एक पार्ट हम उस सैंड का लेंगे, एक पार्ट हम कंपोस्ट ले लेंगे कोई भी, और ये और जो है ये तीनों चीज़ मिला के, और इसका तब अच्छे से मिक्सर। और इसमें और क्या डालना है, इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड, और इसमें इप्सम सॉल्ट हो तो वो भी डाल दीजिए 1 चम्मच, और अगर आपके पास बोन मिल है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, वो है तो 1/2 चम्मच उसको भी डाल दीजिए, या 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 6 इंच का गमला है तो 1 चम्मच डाल दीजिए। और अगर आपके पास नीम खली है तो वो डाल दीजिए, नीम खली जो है फंगस नहीं लगती। वैसे तो इस पर ये पत्तियों में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती, कोई सा भी लिली हो फंगस नहीं लगती, लगती है तो बल्ब में नीचे लगती है। तो हमने क्या करना है, वो नीचे जो मिट्टी तैयार करते हैं उसी में ये सब डाल देते हैं।
और नीम खली कम से कम एक मुट्ठी इसमें नीम खली और इप्सम सॉल्ट, और इसमें जो है बस ये काफ़ी होती है। और खली है आपके पास जैसे वो क्या कहते हैं जो आती है वो सरसों की खली, अगर आपके पास है तो एक पाउडर एक चम्मच पाउडर वो भी डाल दें। इसमें से अगर एक चीज़ भी है आपके पास इन चीज़ों में तो उससे भी काम चल जाता है। अगर नहीं है तो सिर्फ आप इसको क्या करना है, आपके पास जैसे ये खाद होती है फर्टिलाइज़र, जैसे हमारे पास ये वर्नी कंपोज है, कोई भी कंपोज है आपका, लीफ कंपोज, वर्नी कंपोज या काउडंग कोई सा भी है, तो आप उसको क्या करोगे उसमें से एक भी है ना उसको मिट्टी में मिला दीजिए, बस इसकी सोयल वो भी अच्छी हो जाती है, और बाकी है तो मिला दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसका बस यही है, इसको जो बाद में इसका ये सूख जाएगा, वैसे ये विंटर में क्या है, विंटर में तो ये धूप में भी चल जाता है, और ये गर्मियों में बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपको गर्मियों में ये प्लांट बचाना है तो इसे किसी छायादार ठंडी जगह में रखिए, बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, जैसे ये सूख जाता है सोयल तभी डालिए, और छायादार जगह में रखना इसको। और जैसे अब विंटर है तो अब इसे धूप आप दे सकते हो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार दिन चाहे सारे दिन की भी। अगर हाँ ये हमारे फूल जब खिल जाते हैं, अगर हमने इसको ज़्यादा दिन तक फूल टिकाना है ना अपने प्लांट पे, तो इसको क्या करना है, हम जैसे ये फूल खिल जाएंगे सारे तीन चार ये चार ये सारे खिल जाए, अभी तो मैं ये दो घंटे की धूप में रखती हूँ इनको, और फिर मैं क्या करूँगी इसको छायादार जगह में ब्राइट लाइट में ही रखूँगी। तो इसको क्या है फिर ये फूल कई दिन तक कम से कम 10-12-15 दिन तक खिलते रहेंगे, वैसे तो 8 दिन से लेकर 10 दिन तक खिलते रहते हैं, और वैसे ही हमारे 15 दिन तक हमारे ये प्लांट पे बने रहते हैं। और अगर आप इसको धूप से बचा दोगे तो ये ज़्यादा इसकी फूलों की लाइफ अच्छी बन जाएगी। अच्छा मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया है, मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं अपनी और लिलीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगी, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सी लिलीज है। और ये देखिए थाईलैंड वाली लिलीज है मेरी, ये महंगी पड़ती है थोड़ा सा, और इस पर फूल मगर पीच कलर का बड़ा ही प्यारा आता है। और ये मेरी पीस लिली है, और ये मेरा ये जो करक्यूमा लिली होती है ये वो है, और ये मेरी रेल लिली है, और इस पर भी काफ़ी सारे फूल आते हैं, और इसमें भी बड़ा सुंदर एक जिंजर जिंजर बोलते हैं उस फ्लोवर का नाम, जिंजर भी है ऐसे करके पिंक कलर का बड़ा सुंदर से निकलता है। और एक ये एमेरिलिस है, ये देखो ये बड़ी बड़ी लिप्स होती हैं इसकी, और यहाँ से ये लिप्स यहाँ से निकलती है, इसमें कोई स्ट्रोक वगैरह नहीं निकलता, ये देखो यहाँ से निकलती है, और इसमें ये बेबीज प्लांट भी निकलते रहते हैं, और ये भी बल्ब तैयार करती है, बल्ब से ही होती हैं ये। और इसे हमने क्या करना होता है, ये जो होती है और इसके बल्ब अगर ज़्यादा हमें लेने हैं तो हमें क्या करना है, इसका जो है यहाँ से ये कटिंग कर दो यहाँ से इतना, तो ये सही रहता क्योंकि ये एनर्जी जो है इसकी काफ़ी लेते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे बल्ब कम तैयार होते हैं, तो अगर हम यहाँ से ये कट कर देंगे तो हमारे बल्ब ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। और ये मेरे पास 2-3 कलर के हैं, ये अलग है, एक वाइट है और एक ये रेड कलर का है, अलग अलग है, और ये एक ये पीस ले ली है वाइट कलर की, और ये है ये बहुत सुंदर है। और रेल लिली तो इसका तो कहना ही क्या है, इसके तो अगर आपको 1-2 बल्ब मिल जाता है तो ये इतने सारे ढेर सारे ये तैयार कर देता है। इसकी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही मुट्ठी में पकड़ा और ऊपर से इसकी कटिंग कर देती हूँ यहाँ से, ये फिर भी कितनी तेज़ी से बढ़ता है देखो, तो इसके इतने ढेर सारे बल्ब हो जाते हैं इसमें कि आप बांटते बांटते जो है परेशान हो जाओगे, इसमें काफ़ी सारे बल्ब तैयार करता है ये, तो इसकी यही केयर टिप्स करना है। ये तो रेन लिली है, इसको तो चाहे आप धूप में रखो बरसात में रखो ये चल जाता है, ज़्यादा जब अगर गर्मी होती है बहुत तेज जून जुलाई की तब इसको थोड़ा 1-2 घंटे की ही धूप दो। ये वाली जो लिली होती है ये देखो करक्यूमा, तो इसको तो ये तो इनडायरेक्ट धूप में ही चलती है, ये डायरेक्ट धूप में नहीं चलती है, बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, और ये जो है ये फूल जो देती है ये बरसात में गर्मियों में ही देती है, इस समय ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, और इसकी पत्तियां नहीं काटना है क्योंकि इसमें स्ट्रोक इस तरह से बनते हैं अलग अलग, इसके जो है काटना सही नहीं है, और इसके हम काट सकते हैं पत्तियां, और इसकी भी काट सकते हैं, और हमें किसकी नहीं काटनी है, एक इसकी पीस लिली की नहीं काटनी है, एक करक्यूमा लिली है इसकी भी नहीं काटनी है, और हम इसकी ये थाईलैंड वैरायटी की जो है इस तरह की ये इनकी पत्तियां काट सकते हैं। और मैं इसको जो है बड़ा सा एक गमला देने वाली हूँ क्योंकि इसमें ये बल्ब बनाएगा तो ये इसके लिए जगह नहीं है, तो मैं इसको बड़े में रखूँगी तो ये अच्छे बल्ब तैयार करता है। इसको भी हम चाहे धूप में पानी में रख सकते हैं, और इसको और इनको दोनों को रख सकते हैं, ये पानी में चलने वाले होते हैं
और धूप से बारिश से भी चल जाते हैं। और ये जो होते हैं ये सनलाइट बर्दाश्त नहीं करते, ये लिलीज और ये वाली, तो इनको जो है छायादार जगह में हम रखेंगे और बरसात से और जो है ठंड से ही बचाना है, बरसात से ही बचाना है इनको, ज़्यादा तेज धूप से भी बचाना होता है, छायादार जगह में रखना, बस थोड़ी सी नमी बना के रखना है इनमें। और जैसे मेरे में बनाई है और जैसे ये है इसमें गुड़ाई कर दे जैसे तो अच्छा रहता है, और यहाँ से इसको कट कर दो तो ये इसमें सेफ रहेंगे इसके बल्ब। मैं तो बल्ब खैर मैं नहीं रखती, उठा के नहीं निकालती, मैं उसी में पड़े रहने देती हूँ, इसके बल्ब इसी में रहेंगे, इसके बल्ब इसमें रहेंगे, बड़ा गमला दे दूँगी बल्कि इसको, लेकिन इन्हीं गमलों में छोड़ देती। अगर आपको बल्ब सेव करना है इसका जैसे, या किसी का भी कोई भी लिली का, तो आप कोकोपीट में भी कर सकते हैं, आप सैंड में भी कर सकते हैं, आप उसको जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक की कोई भी पन्नी लपेटिए कोई भी और उसमें छेद कर दीजिए पन्नी में, और उसको सुखा के बल्ब को और उसको फंगीसाइड लगा के सुखा के आप उसको सेव कर सकते हैं। और मैं तो जो है इसी में कर देती हूँ, मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ती क्योंकि मेरे इसमें सेव रहते हैं, मेरी याद नहीं रहती फ्रिज में रख के इधर उधर, तो मैं तो इसी में मुझे सही लगता है, सबसे बेस्ट जो लगता है मुझे सेव तो इसी में लगता है मिट्टी में। बस क्या करते हैं इसको काट देते हैं, इसके अंदर जो बल्ब होते हैं इसमें फिर बाद में पानी नहीं देना, ठंडी जगह पर रखना है इसको, और ठंडी जगह पर रख के छायादार में ठंडी जगह में रखना, और इसमें जैसे ये कोई बात नहीं पानी बिल्कुल नहीं देना, अगर आप दोगे तो थोड़ा हल्का सा छीटा सा दोगे, जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी ऊपर जिस बस ऊपर की परत पर नमी रहे और जहाँ बल्ब रहते हैं उस तक पानी ना जाए, तो हमारे बल्ब गलेंगे भी नहीं, सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। लिलियम के अगर आपको बल्ब लगाने हैं तो उसका मैं बेस्ट टाइम बताती हूँ, ये सितंबर और अक्टूबर में आप लगाते हैं तो ये नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग पर आ जाता है, और फूल भी ये बड़े बड़े देता है।